नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में जब दुनिया भर के लोग अपनी जान बचाने के लिए नए नए जतन कर रहे हैं, वहीं लखनऊ के रहीस जादे थाईलैंड से कॉल गल बुला रहे हैं। पूरा मामला लखनऊ का है, जहां पर 7 लाख रुपए खर्च करके व्यापारी के पुत्र ने करीब 10 दिन पहले कॉल गल को थाईलैंड से बुलवाया। उसके लखनऊ आने के 3 दिन बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको 28 अप्रैल को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर में भर्ती करवाया गया। उसी लोहिया संस्थान में जब आम कोविड संक्रमित को बेड नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं इलाज के दौरान जब कॉल करके 3 मई को मौत हो गई, तो व्यापारी पुत्र ने खुद ही थाईलैंड एजेंसी संपर्क भी किया। मामला दो देशों के बीच होने के कारण खुल गया, जहां 3 मई को उसकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि व्यापारी के बेटे ने कॉल गर्ल की तबीयत बिगड़ने पर खुद थाईलैंड एजेंसी को फोन किया, इसकी जानकारी भी दी। इसके बाद एजेंसी ने भारत के विदेश मंत्रालय की मदद से उस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार ये कॉल गर्ल राजस्थान के रहने वाले एक ट्रैवल एजेंट के संपर्क में थी, उसी ने इसे लखनऊ भेजा था। पुलिस अब इस एजेंट की भी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये भी ट्रेस किया जा रहा है कि कॉल गर्ल के संपर्क में और कौन कौन आया है। कोविड-19 का संक्रमण और भी ज्यादा फैल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस व्यापारी और उसके बेटे का नाम बताने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।